भैया पहली स्ट्राइक हो गई है हमें। चलो मेरा भाई, चलो मेरा भाई, हाल आ गया। तो तकरीबन 25 किलो भांगड़ा लेकर इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। आ गया भाई माशाल्लाह, सुरमई भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम अबलीग भाई, सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम इस वक्त मौजूद हैं मुबारक विलेज पे और अभी हम जा रहे हैं तारू पे। जाते हुए ट्रॉलिंग भी करेंगे और देखते हैं क्या होता है। आज हम आपको तारू की डिटेल्स भी बताएंगे कि कैसे जो है वो डोर बनती है और चारा लगता है और सारी चीज़ें। तो प्रैक्टिकली जो हमारी बात हुई थी आज हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। माइक करीब किया हुआ है, ज़रा शोर है इसलिए। अभी हमें मोइस को और राज भाई को उठाना है रास्ते से। कहाँ से उठाना है समंदर में अभी दिखाता हूँ आपको, चलें। तो ये देखें, अब हम मोइस को और राज भाई को यहाँ से लेंगे और फिर ये हमारे साथ ट्रिप पे ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। अरे दिलदार क्या हाल है, कल मच्छी बहुत था। अरे आसिम ये मुजरा शुरू यार, तू हमारे बोट में सिकंदर ऐसा मुजरा करता ही है, तेरे को दिखा दूंगा, दिखा बगैर म्यूजिक के। क्या रिपोर्ट है दिलदार, लाड़े की है, तभी गाढ़ा करके आता हूँ सफर कर। हाँ भाई ये देखो मुइज़ भाई आ गए, अपना सामान यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ ये देखो, ये भाई क्या पूरे घर का सामान लेकर आया भाई, क्या मारा है। वाह भाई वाह, ये देखो चुनिया किस्सर आया भाई, माशाल्लाह देखो आती जेन्यून किस्सर है। सॉरी ऊपर मुंह देखा था हमने, जल्दी चलो बेहतरीन। दूसरी बोट रवाना हो चुकी है और हमारे बोट कैप्टन आ चुके हैं और हम आज सोएंगे अलाडी। अभी हम लुअर छोड़ रहे हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। भैया पहली स्ट्राइक हो गई है हमें, अब ये देखते हैं कचरा या मछली है। कचरा लग रहा है, ये देखो कचरा आया पहली स्ट्राइक में, कितनी बड़ी थैली निकाल के फेंक रहा है। हाँ तो भैया सीन कुछ ऐसा है कि हम अपने पॉइंट पे पहुंच गए हैं तलार के ऊपर इस वक्त, और अब हम जो है वो अपनी डोरे करेंगे और यहाँ पर अब चट करेंगे। तो अभी चट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जाहिद भाई क्या निकालेंगे सबसे पहले, ये है भांगड़ा सही है, हम इसका मुंह तोड़ेंगे। और इसको मसल मसल के, मसल मसल के पानी में डालते जाएंगे। इसको इतना बारीक करना है, इतना बारीक करना है कि मछली का पेट ना भरे, बस मछली खुशबू से आए। ये सबसे पहला काम है तारू पे आने के बाद, सबसे पहले काम यही करना होता है, बल्कि इससे भी पहले डेप नापते हैं। डेप नापने के बाद एक बंदा चट शुरू कर दे, दो बंदे, और एक बंदा डोरे बनाना शुरू कर दे, जैसे कि अभी मोहित भाई डोरे बना रहे हैं और मैं इस वक्त चट कर रहा हूँ। इस तरीके से इस पूरी मछली को हम करेंगे, हम मुस्तकिल बुनियादों पर चट करते रहेंगे, बहुत स्पीड में भी हम करेंगे, चट रुकनी नहीं चाहिए। तकरीबन 20 किलो भांगड़ा एक अलग लाएं, 5 किलो डोरी का अलग लाएं, तो तकरीबन 25 किलो भांगड़ा लेकर इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। नहीं, नहीं, छोटे।
अच्छा भाई, अब चट का तरीकेकार थोड़ा सा चेंज करा है। हम ये डब्बे में साबुत बांगड़े डालने हैं। एक तरीकेकार वो चल रहा है, एक तरीकेकार ये। हम चट को थोड़ा सा तेज कर रहे हैं। इसमें थोड़े से हमने किचक भी डाल दिया। किचक हमारे पास ये तकरीबन ठीक ठाक, हमने किचक भी थोड़ा सा इसमें डाल दिया, बांगड़ा भी डाल दिया। अब हम इसका यूज करते हैं। ये आप देखें, ये देखें, ये हमारा अगला डब्बा कूटेंगे इसमें और इसको बिल्कुल बारीक कर देंगे भूज की तरह। कीमे की तरह बारीक कर देंगे और इसका जूस जो है हम पानी में फेंकेंगे। ये देखें, इसको हम पानी में फेंकेंगे। अच्छा भाई, ये देखो सुरमई की खीर तैयार कर ली है मैंने। आप ये देखें, आप ये दिखाएं जरा। अब हम इसको पानी के अंदर डालेंगे। ये चट करने का एक और तरीका है, थोड़ी चट तेज और इफेक्टिव करने के लिए। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा और मिक्स करेंगे पानी के साथ और ये इसका जूस हम डालेंगे। ये सुरमई की सुरमई की खीर खीर खाने आएंगे हम। लोग खीर खाने आएंगे इंशाल्लाह, हमारा खाना बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें से मोटा मोटा रोक रहे हैं, बारीक बारीक जाने दे रहे हैं। तो मोटा है उसको मजीद कूटेंगे, उसको डालेंगे। ठीक है, हमने उनकी भूख बढ़ानी है, उनका पेट नहीं भरा। तो भैया सीन कुछ ऐसा है कि तारू पे अभी तक कोई स्ट्राइक नहीं है। एक हुई है, हाँ स्ट्राइक हुई है, अच्छी स्ट्राइक हुई है, बल्कि दो ही हैं। लेकिन मछली हुक सही नहीं हुई तो लैंड नहीं हो सकी। फिलहाल अभी पान खा रहे हैं और चट कंटिन्यू जारी है, इंतज़ार कर रहे हैं। असल में आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा ये मामला ख़राब हुआ। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा, अभी इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और मछली दिखाएंगे इंशाल्लाह अभी आपको तारू की। वही अभी सीन कुछ ऐसा है कि हम ट्रॉलिंग स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से और पानी बड़ा स्मूथ हो चुका है और अभी सामने टूना उछलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अभी उछलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि टूना उछलते हैं तो टूना और आल बहुत उछल रहा है, लेकिन तारू पे नहीं पकड़ा। पताशा भी चला है, पताशे पे भी नहीं आया। जनाब पहली स्ट्राइक हो गई है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वापसी के अंदर।
हाल है? चलो मेरा भाई, चलो मेरा भाई, हाल आ गया। पहली मछली ऊपर उठा, ऊपर उठा, ये मेरा भाई पहली मछली। देखिए आपकी रॉड है, उसके ऊपर मछली आ गई है, बस ये लकी रॉड है। यस, वो चारा दे यार। Another strike, alhamdulillah. छोटा है, सुरमई है। आ गया भाई, माशाल्लाह सुरमई भी आ गया। ओ दिखाओ भाई, सेकंड स्ट्राइक वापसी के अंदर भाई माशाल्लाह से सुरमई आ गया। तो ये सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं बॉटम कट, और जाते जाते एक सुरमई और एक आल मिल गया। लंदन सुरमई का साइज है 4-5 किलो का सुरमई है, ये अंदाजा है 4-5 किलो का, छोटा है 3 किलो, 3 किलो तक का है सुरमई। सुरमई तो फिर सुरमई है। अभी आप देखें हमारे समुंदर की कितनी बदकिस्मती है, ये पूरा का पूरा वायर नेट जो घुमा रहे हैं, जाल घुमा रहे हैं, यहाँ पे चारा है इससे चारों तरफ, अब इसके नीचे मछली भी है, सब कुछ है, और ये लोग पूरा जो है ना घुमा कर और सब मछली उठा लेंगे। पानी देखें आप कितना पानी ख़राब हो चुका है, पानी बिल्कुल ग्रीन हो रहा है, काई काई ग्रीन ग्रीन पानी आ रहा है, सब गंदा गंदा हो, बहुत गंदा पानी है, बहुत गंदा पानी है। हाँ तो पब्लिक सीन कुछ ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुबारक विलेज के कोने पर आ गए, ज़रा माइक करीब कर लूँ, शोर होता है, और अब किनारे पर उतर रहे हैं हम लोग। तारू पे आज मैं मछली नहीं लगी, लेकिन मैंने आपको डोर भी करते हुए दिखाई, और इसके अलावा चारा भी लगाते हुए दिखाया, पूरी चट वगैरह सब दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रॉलिंग पे मछली लग गई, सुरमई भी आ गए, आयल भी आ गए, और आपने देखा माशाल्लाह मज़ा आ गया। तो बहरहाल वीडियो का यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, जाते हुए दुरुस्त शरीफ अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।